राज्य में साहिबगंज पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बावड़ी थाना में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पुखरिया के बूढ़ो पासवान द्वारा अवैध हथियार की खरीद बिक्री की जाती है। जिस सूचना के आलोक में SDPO साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया तथा उसके घर पर विधिवत छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में बूढ़ो पासवान उर्फ रविंदर कुमार पासवान की निशानदेही पर उसके घर से एक पिस्टल, 6 पीस सिंगल शॉट देसी कट्टा, 11 जिंदा गोली, 4 गोली के खोखे और 2 किलेट्स प्राप्त किए गए हैं और जिसकी विधिवत जब्ती सूची बनाई गई तथा इस संदर्भ में बोरियो बीरोवाड़ी थाना कांड संख्या 370-20 धारा 25(1)(a)(b)(b) 26(8) के तहत कांड दर्ज कर फर्दर अनुसंधान की जा रही है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, ये पहले मर्डर और आर्म्स एक्ट के केस में फायरिंग के केस में जेल जा चुका है और ये सजा याफ्ता भी है और ये सजा काट के 18 या 17 में जेल से बाहर आया है। सर, ये आर्म्स क्या इसे खरीद बिक्री के लिए या कोई उद्देश्य था इसके पीछे? कितने भारी मात्रा में मिलने का आशय तो अभी यही है, स्पष्ट पूछताछ से और स्पष्ट हो पाएगा कि इन्होंने कहाँ से लाया था। उस पर भी पुलिस छानबीन कर रही है कि इतने सारे हथियार के सप्लाई को किसके द्वारा किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था। अनुसंधान के क्रम में और स्पष्ट हो पाएंगे।